Good morning, everyone. How are you all? Hope all is well. I'm also fine. Actually, today is the most challenging task for everyone. कि हम लोग सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे. No one talk in Hindi. Actually, मेरी इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं है. उतनी क्या, बिल्कुल अच्छी नहीं है. बस टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेता हूँ. But today's task for everyone. तो आप लोगों को शाम तक बताना है, कमेंट करना है शाम तक में कौन कितनी अच्छी इंग्लिश बोल पाता है, किसकी ज्यादा बेटर रहती है. मैं सबको बता दूंगा कि भाई आज सबको इंग्लिश में बात करना है. चाहे हम कहीं भी हो, आपस में बात कर रहे हो, किसी शॉपकीपर से, दुकानदार से, बाहर कहीं बात कर रहे हो, तो हमें इंग्लिश में बात करना है. देखते हैं किसका कैसा परफॉर्मेंस होता है. वीडियो के बाद आउटपुट आ ही जाएगा किसका कैसा रहेगा. आप प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना. एक्चुअली टुडे द सन डिडंट राइज हियर, दैट्स व्हाई आवर क्लॉथ, क्या बोलते हैं, सूखने को. Our क्लॉथ जो भी हो, हाँ, our क्लॉथ इज डिडंट नॉट ड्राई, जो भी होगा, जस्ट लाइक दिस. की मुझे थोड़ा टूटा फूटा भी स्टार्टिंग है ना, तो शाम तक में बेटर हो जाएगी इंग्लिश, मुझे पता है. एंड आफ्टर लुकिंग हियर्स वेदर, वी शुड गो एनी वेयर फॉर ट्यूर, जस्ट लाइक बाइक, कार और स्कूटी, बिकॉज टूडेज वेदर ओशम यार, ओशम. दिस इज अवर क्लॉथ, दे डिडंट ड्राई यस्टरडे. Cause of weather, cause of rain, my all clothes are wet now. Look here, today challenge, everyone talk only in English, no one speak Hindi. If anyone going to speak English, then usko marunga main. Okay? Okay. Inside, outside, everywhere, today English, no Hindi. I try to best speak English. Okay, you good. The cows are coming in one row. One by one, cross the road. No one break the rule, but this cow break the rule. This is deserve punishment. Actually, I haven't come out from my room since morning, but now I am out cause of cold, because the cold is very high and I haven't bath since yesterday. But this time I am just going to bath because I have to go market. So थोड़ा बहुत सफाई, little clean up, थोड़ा बहुत जो भी होगा देखा जाएगा. Pawan, I am going to bath and then we will go to the market. You have to also bath. Okay? Before, first please put the गर्म पानी for me. Put the water for गर्म होने के लिए रख दे यार जाके. बिकॉज ठंड ज्यादा है तो गर्म पानी से नहाना जरूरी है. आई एम रेडी आफ्टर बाथिंग ब्रो. ठंड में नहाना आसान, नॉट इजी. बाथ इन कोल्ड बिकॉज लाइक ए एडवेंचर. एंड दिस इज माई न्यू टी शर्ट. एक्चुअली इट वॉज टेकन फॉर पवन, बट द साइज इज नॉट फिट, बट तो मैंने पहन लिया इसको. एक्चुअली द गॉड्स आर जेलस विथ अस, दैट्स व्हाई. So when we are getting ready for going market, then rain is started. This is very bad thing. God, you have to बंद करना इस बारिश को. Oh ho, this is very dirty. इतना साफ साफ कपड़ा यहाँ पे जाके गंदा हो जाएंगे. इससे पहले, before that, I have to clean this area right now. Actually, the rain is coming slowly. तो हम गीला नहीं होते उतने में, बट द रोड कंडीशन इज टोटली बेड. आफ्टर द रेन द रोड इज बहुत खराब. व्हेन वी विल रीच द मार्केट देन आवर चैलेंज विल स्टार्ट, बिकॉज घर पे तो जो था वो चल गया, बट इन द मार्केट वी विल टॉक ओनली इन इंग्लिश. आफ्टर दैट we will see what is the reaction of shopkeepers and other publics. Actually, after the raining, the weather is very awesome and the nature is very good. So enjoy this ride now. Thank you.
this bus is not giving me side, so I'm trying to side. Okay, I got. But I have to fill the pet. ये देखो ठोक दिया, ये होता है ठोक दिया उसने पीछे से, मुझे गुस्सा इतना आ रहा है। वो बोलेगा कि गलती आपकी थी, आप वीडियो बना रहे थे। वीडियो बनाते वक्त मेरा ध्यान बिल्कुल वीडियो में नहीं होता, मेरा ध्यान पूरा ड्राइविंग को होता। पीछे वाला बंदा जैसे पवन जो बैठा हुआ, वो पीछे फोन पकड़ के बैठा हुआ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, बस मेरा इतना सा ध्यान है। वो फैमिली थी उसके साथ, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला उसको। एक्चुअली बिहाइंड मी देयर इज वेरी क्राउडेड एरिया, सो वी हैव टू वेट ए लिटिल बिट बिकॉज वी हैव टू परचेज अ स्वेटर फॉर पवन एंड ए टी शर्ट फॉर के। विच स्वेटर वी वॉन्ट देन दे डोंट हैव, सो वी हैव टू गो सम अदर प्लेस फॉर फाइंडिंग द न्यू स्वेटर फॉर पवन। है ना पवन, यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, मेरे से थोड़ी अच्छी। देयर इज नो चांसेस टू गोइंग इन साइड द सब्जी मंडी बिकॉज यहाँ पे बहुत कीचड़ है भाई, तो संभल संभल के चलना पड़ेगा। रोडों की कंडीशन तो बहुत खराब हो गई है भाई, और उससे खराब हो गई है मेरे इंग्लिश की कंडीशन, क्योंकि भाई इंग्लिश नहीं आ रही है मुझे बोलना, और एक्चुअली बोल भी रहा हूँ। तो भाई मैं अब इंग्लिश चैलेंज, जो हमारा सुबह जो चैलेंज रखा था ना, वो मैं तोड़ रहा हूँ। इसलिए तोड़ रहा हूँ क्योंकि जब मैं किसी सामने यहाँ पे इंग्लिश में बोल के देख रहा था, तो उसे ऐसा लग रहा था, वो सामने वाला गिल्ट फील कर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि या तो ये अपने आप को ज्यादा हीरो समझ रहा है या फिर कुछ भी। तो मुझे उसकी आंखों में ये चीज अच्छी नहीं लगी देखने में। तो भाई मैं अपना इंग्लिश वाला जो चैलेंज है तोड़ रहा हूँ, हिंदी हमारी मातृभाषा, मैं हिंदी में बोलूंगा। बाजार का काम खत्म हुआ और भाई देखो एक चीज मैंने मंगवाई थी, एक्चुअली बहुत दिन से मैं सोच रहा था एक छोटा वाला गोरिल्ला ट्राइपॉड मंगाने का, तो वो मैंने ऑर्डर किया था, तो जब मैं मार्केट में था तब आया था। चलो उसकी अनबॉक्सिंग आपके सामने की जाए। तो भाई ये है, कितने का है, मैंने इसको ऑर्डर किया था एक्चुअली 338 रुपए मैंने पे किया इसके लिए। देख लो आप भी क्या होता है गोरिल्ला ट्राइपॉड, मेरे को पहले नहीं पता था, जब सर्च किया तब पता चला। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करो। भाई है ना, ये रिमोट है इसलिए क्योंकि यहाँ से बैठे बैठे मैं इसको ऑपरेट कर सकता हूँ, कनेक्ट करना कैसे है क्या करना है। और फिलहाल तो मैंने देखो इस गोरिल्ला पॉड को एकदम मस्त से इस टेबल पे लगा रखा है, अच्छे से एकदम लपेट लपाट के। होप मैं आप लोगों को दिखा पाता, कोई जुगाड़ लगाता हूँ। देखो इसमें देखो आपको, हाँ ये देखो दिख रहा, ये देखो मैंने कैसे लगा रखा है। देखो मैंने टेबल में इसको अच्छे से बिल्कुल ऐसा सांप की तरह लपेट दिया और फिर लगा रखा, और देखो मैं यहीं से वीडियो बंद कर दूंगा। तो यार हो गया है अब खाने का टाइम, तो भाई आज खाना खाते खाते ये वाली फिल्म देखेंगे। फिल्म देख के पता चल रहा है कौन सा फिल्म है, ब्लैक पैंथर। और भाई आज खाने में तो भाई चार चांद लगे हुए, आपको मैं एक बार हमारे खाने का टूर कराता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये है सब्जी, चावल, दाल, भुजिया, नमक, पापड़, मिर्ची, अचार और मेरे मुंह में पानी। भाई तगड़ा मजा आने वाला, खाना खाएंगे मूवी देखते देखते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिस्तर में एक बार सोने के बाद बिस्तर से दोबारा निकलना, क्योंकि यार नींद आने लग जाती है, ठंड का टाइम है ना, आलस ज्यादा हो जाता है इस टाइम में। तो अभी भाई सबसे पहले तो मुझे जाके फेस वॉश करना है जैसा कि रोज का होता है काम। सो चलते यार, आलस से कुछ नहीं होगा, जल्दी से आते फेस वॉश करके। आसान नहीं होता भाई ठंड में फेस वॉश करना या फिर पानी को हाथ लगाना, मगर जहां चाहे वहीं रहा है, करना पड़ता है यार। आपको पता है ग्लैमरस का जमाना है, अगर यहाँ पे थोड़े से खूबसूरत नहीं दिखोगे तो लोग आपको स्किप कर देंगे। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ देखो मेरे बारे में, कि मैं जब सोता हूँ ना तो मेरे बिस्तर की हालत कैसी होती है, एसी, बिल्कुल एसी हालत होती है। ये इसलिए नहीं कि बिस्तर सही रहता है मेरा, एक्चुअली जैसे मैं बिस्तर पर घुसता हूँ मैं बिस्तर की हालत ही खराब कर देता हूँ। और उसके बाद सबसे पहले चीज क्या फेंकता हूँ मैं, तकिया। देखो यहाँ पे मैंने तकिया फेंक रखा है, तकिया जूतों में रखा है इसलिए क्योंकि यार आपको पता है कि मेरे गर्दन में प्रॉब्लम होती है, तो मैं तकिया नहीं लेता हूँ। और तकिया अगर बेड पे रहेगा तो कैसे ना कैसे करके उसमें माथा चली जाता है, इसलिए उसको फेंक देता हूँ मैं। चलो अब रात बहुत हुई यार, अब नींद आने लग गई है, थोड़ा सा फेस वॉश कर लिया, अब सोने की तैयारी कर लेते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि सुबह उठ के एडिटिंग भी करनी होती है और ठंड में सुबह उठना उतना आसान नहीं है जितना सोचते हैं। फिलहाल तो भाई अभी सोता हूँ, अभी के लिए आपको गुड नाइट। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया, अगर पसंद आया तो थोड़ा सा भी अगर वीडियो पसंद आया ना भाई तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पे नए हो या फिर कुछ भी हो
तो बेल आइकन को ऑन कर लेना। बड़ा मजा आने वाला हमारे डेली ब्लॉग के साथ, क्योंकि बहुत अच्छी ब्लॉग बनाता हूँ मैं, मुझे खुद को ऐसा लगता है। बाकी आपका क्या सोचना कमेंट करके जरूर करना। बाय बाय।